नमस्कार, मैं हूँ इरम फातिमा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में सोते दिखे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट ड्यूटी से रहे नदारद। कन्नौज जिला अस्पताल में दिन ब दिन लापरवाही भरा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी ड्यूटी पर सोते नजर आए, तो वहीं बगल में मौजूद फार्मासिस्ट कक्ष से फार्मासिस्ट भी नदारद रहे। चिकित्सकों के इसी रवैये के चलते मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों के हीले हवाली रवैये के चलते अधिकांश मरीजों को गैर जनपदों से रेफर कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ देर पहले का बताया जा रहा है, ये पूरा क्या मामला? नहीं, वो हम भी भ्रमण पे आए थे, वो सोते हुए नहीं, वो आराम कर रहे थे और चूंकि मरीज नहीं था इसलिए तो फिर उन्होंने हमारे साथ राउंड भी करी। डेंगू का इस समय का बहुत ज़्यादा है, पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी चल रही है और इस समय आराम करने की बजाय डॉक्टर साहब सो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो चूंकि उस वक्त पेशेंट नहीं थे, मैंने उनसे जानकारी ली तो वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे।